हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। बट मेरी तबीयत अच्छी नहीं है, टॉन्सिल फिर से बढ़ गया है, जिसके वजह से वॉइस रिकॉर्डिंग 2 दिन से नहीं कर पा रही थी। पहले से थोड़ी बहुत आवाज़ ठीक है, बट सोची कई दिन से वीडियो बना के रखी हूँ आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए, और शेयर नहीं कर पा रही, 2 दिन से वीडियो भी नहीं जा रहा। तो कोशिश करते हैं कि आज वीडियो आप लोग को मिल जाए। आज है 14 तारीख और ये है मशरूम की सब्ज़ी, मशरूम बटन मशरूम जो रेडीमेड आता है वो वाली सब्ज़ी है, और मैं बना रही थी तो सोची आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी शेयर कर दूँ। बहुत टेस्टी बनती है इसकी सब्ज़ी, और मैं इसको अच्छे तरीके से धो के कटिंग करके रख ली हूँ। धो के कटिंग करने के बाद, कट करके उसके बाद मैं इसको सब्ज़ी बनाऊँगी। अभी भी आवाज़ उतनी अच्छी नहीं निकल रही है, तबीयत अच्छी नहीं है, बट सोची आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी शेयर कर दूँ, वरना ज़्यादा वीडियो इकट्ठा भी हो जाता है और कुछ कुछ वीडियो डेली ही डालना पड़ता है, कि आप लोग वेट करते हैं कि आज क्या डाल रही हूँ, क्या बना रही हूँ करके चेक करते रहते हैं इसलिए भी। तो आइए बनाते हैं आज मशरूम की सब्ज़ी। मशरूम की सब्ज़ी बनाने के लिए हम लोगों को चाहिए क्या क्या चीज़ें, उसके बारे में बता दूँ। ये है मशरूम। मशरूम को अच्छे तरीके से धुल के उसके ऊपर का जो भी ब्लैक दिख रहा है सबको सफाई कर लेंगे। यहाँ पर प्याज है, प्याज भी बहुत ज़्यादा लिया है मैंने। ये है अदरक लहसुन का पेस्ट, मेरे फ्रिज में हमेशा अवेलेबल रहता है। ये है नमक, ये है जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर है, मिर्ची पाउडर है, ये है जीरा, अच्छा धनिया, ये है गरम मसाला और ये काली मिर्च। बस इसी मसाले से ये रेडी हो जाएगा। इसका जो फेवरेट मसाला है मेरा वो है गरम मसाला, वो भी मम्मी के हाथ का बनाया हुआ गरम मसाला। वो घर पे लाती हैं, सबको सफाई करके पीस के रखती हैं, उसका टेस्ट और खुशबू बहुत अच्छा है। मैं तो इंडिया के किसी भी कोने में रहूं उन्हीं का गरम मसाला पसंद करती हूं। तो ये सारे मसालों को इकट्ठा करके रख लेंगे। चलिए अब आगे के स्टेप दिखाते हैं आपको कि आगे के स्टेप में आप इसे किस तरीके से बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने चढ़ा दी है कढ़ाई। कढ़ाई चढ़ाने के बाद तेल को अच्छी तरीके से गर्म कर लेंगे। अच्छी तरीके से तेल को गर्म करने के बाद हम उसमें ऐड करेंगे प्याज। रेसिपी बहुत सिंपल है बट टेस्टी, सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है इसकी। इसी रेसिपी से आप किसी भी चीज़ की सब्ज़ी बना के एक बार देखिए, सब्ज़ी की टेस्ट बहुत अच्छी आती है। वैसे इसमें टमाटर भी ऐड करते हैं बट मैंने टमाटर ऐड नहीं किया। तो जैसे भी मैंने स्टेप बाय स्टेप बनाया है आप लोगों को दिखा देते हैं। इसमें मैंने ऐड किया है प्याज। प्याज को अच्छे तरीके से ब्राउन कर देंगे, लाल कर देंगे अच्छे तरीके से। फिर देखिए आज बटर मशरूम की सब्ज़ी कैसे बनाते हैं। आवाज़ बिल्कुल अच्छी नहीं है, बोल रही हूँ और थक जा रही हूँ बोलते बोलते। तो यहाँ पे प्याज अच्छी तरीके से लाल हो गया है। प्याज लाल करने के बाद हम इसमें जो भी मसाला निकाले थे वो सारे मसालों को डाल देंगे। इसमें एक मेरे से मिस्टेक हो गया था कि मैं मसाले को भिंगा कर नहीं रखी। नहीं तो आप लोग क्या करिएगा, जब भी सूखा मसाला लीजिए बनाने के लिए तो उसे सारे मसालों को निकाल के एक कटोरी में रख लीजिए, उसमें पानी डाल के उसको गीला कर दीजिए। पानी डाल के गीला करने के बाद जब आप प्याज फ्राई करके फिर उसमें मसाला डालेंगे तो उसका टेस्ट थोड़ा अच्छा क्या बोलूँ, मतलब बहुत ही बेटर आता है। और इसमें क्या है कि मसाला जल्दी से लाल हो जाता है, जल्दी से भुना जाता है, जल्दी से तैयार हो जाता है, तो इसमें वो टेस्ट नहीं आती है जो गीले मसाले की टेस्ट की बात होती है। जैसे पहले के लोग सील में मसाला पीस के बनाते थे तो पीसते समय गीला होता था, फिर कुछ देर रखा रह जाता था तो गीला होता था, तो उसका जो टेस्ट आता था, और भुनने में धीरे धीरे उसका पानी सोखता था तो उसका जो भुना हुआ टेस्ट रहता था, भुनने का जो तरीका रहता था, भुनापन ऐसा लगता था कि हाँ रियल में कोई सब्ज़ी है। हम लोग भी बहुत सारा मसाला का सब्ज़ी सील में पीस के बना के खाए हैं, बनाए भी हैं पहले। तो अब टेक्नोलॉजी का ज़माना है तो कौन चाहता है सील में मसाला पीसने, बट मैं अभी भी सील में मसाला पीस के सब्ज़ी बना लेती हूँ। तो मसाला अच्छी तरीके से भुन गया, ये देखिए मसाला भुनने के बाद मैंने उसमें ऐड कर दिया था मशरूम। मशरूम ऐड करने के बाद याद आया कि मैंने तो मशरूम ऐड करने की वीडियो बनाई ही नहीं, तो मैंने बोला खैर कोई बात नहीं, मसाला अगर अच्छी तरीके से भुन जाए तो भुने हुए मसाला में आप मशरूम डाल दीजिए, और मशरूम डालने के बाद थोड़ा देर ढक के रख दीजिए। थोड़ा देर ढक के रखने के बाद क्या है, मशरूम बहुत सारा पानी छोड़ देता है, और पानी छोड़ने के बाद फिर उसको अच्छी तरीके से भुन लीजिए। भुनने के बाद सब्ज़ी देखिए रेडी हो गया है। ये मैंने डाल दिया है इसमें धनिया की पत्ती। धनिया पत्ती डालने के बाद मेरा सब्ज़ी ऑलमोस्ट डन हो गया है। आइए आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, आइए आप भी मेरे साथ डिनर कर लीजिए। मैं अभी मैके में हूँ, और मैके में डिनर में डेली राइट में सिर्फ रोटी ही बनती है, रोटी ही खाई जाती है यहाँ से नॉर्मल। तो क्या क्या चीज़ें हैं हम लोगों के साथ, क्या क्या चीज़ है इसमें, मैंने जो प्लेट लगाई है आप लोगों के लिए भी लगाई है। आप लोग भी आइए और मेरे साथ डिनर इन्जॉय कीजिए कि मैं आज डिनर में आप लोगों के लिए क्या क्या लेके आई हूँ। तो डिनर पे आज मैं लेके आई हूँ
रोटी है, रोटी मूली गाज रोटी है, मूली है, खीरा है, मशरूम की सब्ज़ी है, और जो बगल में दिख रहा है वो मशरूम चिल्ली है, वो मशरूम चिल्ली है। मैंने मशरूम की चिल्ली भी बनाई थी, उसकी भी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, बट अभी वॉइस अच्छी नहीं होने के कारण मैं बहुत 2 दिन के बाद वॉइस रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, फिर भी उतनी अच्छी नहीं है। चलिए दुआ में याद रखिएगा। बाय बाय, अल्लाह।